स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के जबलपुर के बाद अब छिंदवाड़ा में माता रानी की विशाल प्रतिमा तैयार की जा रही है, जो लालबाग की माई सेवा समिति द्वारा बैठा ली जाएगी। पिछले वर्ष भी लालबाग की माई सेवा समिति द्वारा भव्य विशाल प्रतिमा बैठा ली गई थी, जिसे देखने के लिए जिले से ही नहीं बल्कि प्रदेश से भी लोग माई के दर्शन करने पहुंचे थे। लालबाग माई सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि छिंदवाड़ा में अब जबलपुर के बाद यहां विशाल प्रतिमा लालबाग में बैठा ली जाएगी, जो एक आकर्षण का केंद्र पूरे छिंदवाड़ा में ही नहीं पूरे महाकौशल में रहेगी। समिति द्वारा फाउंडर मेंबर बनाकर समिति का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और लालबाग की माई का बैंक खाता में भी खुलवाया जाएगा। आज समिति की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द खाता खुलवाकर और फाउंडर मेंबर बनाकर मेंबरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदीप चौधरी, सेवादार बलराम विश्वकर्मा, मोंटी रघुवंशी के द्वारा बैठक आयोजित की गई। सभी लोगों ने एकत्रित होकर के काफी मेहनत करके और लालबाग की माई जो सेवा समिति प्रथम वर्ष में ही अपने पूरे छिंदवाड़ा जिले में एवं मध्य प्रदेश में सभी लोग जानने लगे कि लालबाग की माई सेवा समिति द्वारा भव्य प्रतिमा का आयोजन किया जाता है। इसके पहले समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि हम जबलपुर की तर्ज पर कुछ विशाल प्रतिमा हम स्थापित करेंगे, उसी को लेकर के आज हमने ये बैठक रखे हैं। आगे मैं प्रदीप चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर के अपने शब्द रखें। शुरुआत की और लोगों ने जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया और लोगों ने हमारे सामने विचार रखे कि हम भी कुछ ऐसा कुछ करें छिंदवाड़ा ज़िले में कि बहुत ही आकर्षण और भव्यता के साथ जो देवी जी इस बार हम लोग बिठालना चाह रहे हैं वो 26 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी और मध्य प्रदेश के अंदर में जबलपुर के अलावा सिर्फ छिंदवाड़ा जिला ही एक मात्र स्थान होगा जहां इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाए। उसमें और कुछ करने की कोशिश, उसके लिए ही हमने बैठक रखे हैं और इसके जल्दी हम 4-5 दिन बाद और भी बैठक लेंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।